और आइए बढ़ते हैं आगे, बहराइच की खबर आपको बताते हैं। बहराइच में हिंसा, आगजनी और रामगोपाल हत्याकांड, ये सब होने के बाद आरोपियों के अवैध निर्माण पर अब चलेगा बुलडोजर। अब होगी बुलडोजर वाली कार्रवाई, जिस पर आप जानकारी ये ले लीजिए कि बहराइच में जहां पर हिंसा हुई वहां पर 23 घरों पर अवैध अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें 19 परिवार मुस्लिम है, 4 परिवार हिंदू है। इनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि ये मकान अवैध हैं, अगर वैध हैं तो इनके कानूनी पेपर जो हैं वो जिलाधिकारी को उनके कार्यालय में जाके सबमिट करा दिए जाएं, उनके सामने पेश किए जाएं, नहीं तो निर्माण को अवैध मानकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। में 13 अक्टूबर को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के जो नामजद आरोपी थे पुलिस ने उनको जेल भेज दिया है। उसके बाद अब उन आरोपियों की प्रॉपर्टी पर भी एक्शन शुरू हो गया है। PWD ने 23 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जिन्होंने सड़क की ज़मीन पर घर बनाए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक ऐसे ही अयूब पुत्र हबीब जी का घर है जिसमें नोटिस चस्पा की गई है। वे कहा गया है इस नोटिस में कि आपने सड़क के मिड भाग से 60 फीट के अंदर दीवारें बनाई हैं जो अनुमति नहीं ली गई थी, और इनको 3 दिन का मोहलत दिया गया था, दिया गया है कि अपना अतिक्रमण हटा लें। मेरे साथ में मकान मालकिन है, इनसे मैं बात कर लेता हूं कि इस नोटिस को इस किस तरीके से देखती हैं आप? ये जो नोटिस आपको चस्पा हुई है, जानकारी है आपको? नहीं जानकारी थी, पहले एक बार नोटिस मिली थी तो यहाँ से पहले हमने ये रोड मतलब कट गई थी तो दीवार हमने गिरा दिया था, फिर दोबारा मतलब छः महीना हुआ लाल निशान लगा दिए थे मतलब रोड सड़क हटाने के लिए, तो अब एकदम से 3 दिन में जैसे हटाने के लिए बताया तो ये थोड़ा हटा मतलब 3 महीना या 4 महीना का कुछ हमें मतलब दिलासा दे कि मतलब माननीय अधिकारी महोदय से निवेदन है कि हमें 3 महीने का मुझे कुछ दिलासा दे कि यहाँ भी यहाँ से न हटाया जाए, मतलब हम लोग कहाँ जाएँ, मतलब ये सब सामान लेके कहाँ चले जाएँ। मतलब इस नोटिस को लेके अब लोग परेशान हैं, लोगों का कहना है कि अगर ये नोटिस वैध है तो हमको समय दिया जाए, हम कहीं और आशियाना अपना बना लें, उसके बाद कार्रवाई की जाए। आपको बता दें इस नोटिस के माध्यम से लोक निर्माण विभाग ने इनसे कहा है कि 3 दिन के अंदर ये अतिक्रमण हटा दें, नहीं तो इन पर बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है, इनका अतिक्रमण हटाया जा सकता है। अखिलेश कुमार, News 18 बहराइच। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बुलंदशहर की खबर, जहां पर भेड़ियों ने 3 लोगों पर अटैक कर दिया है। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, इनमें बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 लोगों के ऊपर जो गंभीर अटैक किया है उनमें आप देख सकते हैं एक दंपत्ति जिसमें एक पुरुष शामिल है और 2 महिलाएं हैं, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर है, और देर रात अचानक से भेड़िए ने इन गाँव वालों के ऊपर अटैक कर दिया। भेड़ियों की दस्तक से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। सियाना कोतवाली की चौकी चिरगावठी क्षेत्र के गांव महाव की ये घटना है।